फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट रखिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। आज का कंटेंट भी बहुत ही यूनिक है और बहुत सी आपकी डिमांड पर, उन लोगों की डिमांड पर जो हार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं। हार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट इंडिया की जान है। जितना पहले इस हार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट को फारग कर दिया था, ये उतनी ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है। इंडिया के हर कोने में खेली जाती है और बहुत ही ज्यादा कंपिटिटिव, बहुत बड़े टूर्नामेंट, बहुत बड़ी प्राइज मनी, बहुत बड़े प्लेयर्स, उतना ही बड़ा कंसर्न एज रिगार्ड टू क्रिकेट बैट्स। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। देखिए, बहुत कंपिटिटिव क्रिकेट हो गई है। हार्ड टेनिस बॉल की बड़े तरह के बैट यूज हो रहे हैं। बहुत ज्यादा कंसर्न है आप सबका जो हार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, एज रिगार्ड टू प्रेसिंग ऑफ बैट। हर किसी प्लेयर को दिमाग में प्रेसिंग के बारे में कोई ना कोई शंका रहती है कि ये क्या है और कितनी हुई है, कितनी जरूरी है। बिल्कुल सही कंसर्न है। रीजन की टेनिस बॉल से जब तक क्रिकेट होती थी, तब तक भी बैट को प्रेसिंग की जरूरत नहीं होती थी। जब से हार्ड टेनिस बॉल आई है, 140 ग्राम, 135 ग्राम का बॉल हो गया है, अच्छा रिबाउंड चाहिए, बैट की प्रेसिंग जरूरी हो गई है। अब पता नहीं मेकर ने की है, नहीं की है, फील नहीं आ रही, कम लग रही है। कई शहरों में प्रेसिंग मशीन अवेलेबल भी है, पर पता नहीं उसने कैसे किया वो, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है भी या नहीं है। क्योंकि जो एक्चुअल मेकर के पास एक मैकेनिज्म होता है बैट की, लकड़ी को प्रेस करने का, बैट को प्रेस करने का, वैसा रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं, ये सारी कंफ्यूजन ट्राई करता हूं। कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बैट कम प्रेस है या वैसी फील नहीं आ रही, या आप एक अच्छा रिबाउंड चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गलत और सही में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपने बैट का जो सरफेस है प्रेस से भी ज्यादा हार्ड कर सकते हैं। प्रेसिंग से हम सरफेस हार्ड ही तो करते हैं ना। आज एक टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने बैट का सरफेस हार्ड कर सकते हैं। मैं दो बार रिपीट करूंगा कि ये टेक्निक सिर्फ टेनिस बैट्स के लिए है, ये टेक्निक सिर्फ टेनिस बैट्स के लिए है। लेदर बॉल के ऊपर ये टेक्निक बिल्कुल यूज नहीं करनी। बताता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं आप अपने बैट को प्रेस से भी ज्यादा हार्ड। ये एक नॉर्मल हार्ड टेनिस बॉल बैट है, अपर ब्लेड का बैट है। अब इसको ऑल्दो हमने प्रेस किया हुआ है, पर इससे आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो आप इसको और हार्ड कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है। देखिए, ये जो है पाउडर, ये सीमेंट पाउडर है, ये सीमेंट पाउडर है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रखा है। वैसे आप इस वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए। एक आता है ग्राउटिंग पाउडर। ग्राउटिंग पाउडर क्या होता है? जब भी कभी घर में मार्बल का काम होता है या ग्रेनाइट का काम होता है, उसमें जो फिलर का काम करता है उसको ग्राउटिंग पाउडर कहते हैं, जिसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सीमेंट जैसी होती है। आप मोस्ट ऑफ द शेड्स उसमें अवेलेबल हो जाते हैं। आप उसमें कोई भी कलर ले सकते हैं, बैट की लकड़ी जैसा कलर लगाएंगे तो बिल्कुल भी ऑड नहीं लगेगा। करना क्या है, आपने किलो के हिसाब से नहीं लेना। ग्राउटिंग पाउडर बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में, जितना मैंने लिया है इससे थोड़ा सा ज्यादा ग्राउटिंग पाउडर लेके, ये एक छोटी पैकिंग आती है एरोडाइट की, ये देखिए, ये एक एरोडाइट की छोटी पैकिंग है। आपने ये दोनों ट्यूबों को, जो एक दिखाई गई प्रिस्क्रिप्शन है, मिक्स करके उसमें ग्राउटिंग पाउडर डाल देना है। ग्राउटिंग पाउडर डालने से जो
कंपोजिशन है वो बहुत हार्ड हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको उसको डाइल्यूट करने के लिए जो घर में नेल पेंट रिमूवर होता है, जिसको कि हम थिनर भी कहते हैं, कुछ ड्रॉप उसके डाल देने हैं जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड फॉर्म में हो जाए, थोड़ा सा पतला हो जाए। उसके बाद आपने वो पतला पतला सॉल्यूशन जितना भी एक प्लेइंग एरिया है, पूरे बैट पे करने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी बॉल लगना है, से ये 9 इंच का एरिया जो प्लेइंग एरिया है, इससे सरफेस के ऊपर वो सॉल्यूशन लगा देना है। मेक श्योर करें कि बैट सीधा रहे, कि सो दैट कि सॉल्यूशन इधर उधर ना बह जाए। आप एक सपोर्ट भी लगा सकते हैं, सिंपल काम है, इसमें कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। बस एक 10 इंच के सरफेस के ऊपर वो सॉल्यूशन हमने लगा देना है और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। वो सॉल्यूशन अगर आपको अनइवन लग रहा है, तो आप एक हेयर ड्रायर की हेल्प से उसके ऊपर थोड़ी सी गर्म हवा भी मार सकते हैं, जिससे वो और डाइल्यूट हो जाता है और बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो जाएगा। मैं वीडियो इसलिए नहीं करके दिखा रहा क्योंकि एरलडाइट लगाने के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बार बार करना बड़ा बोरिंग से हो जाता है। तो एक प्लेइंग एरिया के ऊपर आपने वो ग्राउट पाउडर, मैं फिर कह रहा हूं ग्राउट पाउडर, जो ग्रेनाइट या मार्बल को जोड़ने में काम आता है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको लेना है। लगाने के बाद आप 24 घंटे उसको छोड़ दीजिए। सैंड पेपर लीजिए, थोड़ा सा वो उबरा होगा, आप उसको बराबर कर दीजिए। हमें मोटी तय नहीं चाहिए, हमें मोटी तय बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो सरफेस ही अन ईवन कर दे। आप उसको रब कर दें, उसके अंदर जो लकड़ी के अंदर जितना को ग्राउट पाउडर घुस गया है, वो मोर देन इनफ होगा आपके बैट को डिजायर्ड हार्डनेस देने के लिए। आप ये जरूर ट्राई कीजिए, आप फील करेंगे कि आपका बैट बहुत दूर दूर फेंक रहा है। आई एम होपफुल कि आपको समझ लगने के लिए ये वीडियो दोबारा जरूर देखिए, सो दैट कि आपको कंसेप्ट समझ लग जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब एक दूसरी चीज मैं और आपको गाइड करना चाहता हूं कि मैनी ए टाइम क्या होता है कि हार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट कंक्रीट पे खेली जाती है। कोई सब्जी मंडी का ग्राउंड है, कोई दाना मंडी का ग्राउंड है, कोई फर्श की विकेट है, बैट घिस जाते हैं, बैट घिस जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बैट कोई हमें गिफ्ट कर देता है, पर वो हमारे हिसाब से हमें लगता है कि बैट छोटा है, हम तो लंबे बैट से खेलते हैं। तो आप अपने बैट का जो लेंथ है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं वो भी आपको गाइड कर दूं, क्योंकि जो पिछला प्रोसेस मैंने बताया उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। पिछले वीडियो को थोड़ा पिछले कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना कि उसमें थोड़ा सा वेट जरूर इंक्रीज होगा, उतना को ही लगाएं जितना को आप वेट इंक्रीज उठा सकते हैं। मोटी तय लगाएंगे, ज्यादा भारी हो जाएगा, फायदा कोई नहीं है। हाउएवर वहां से घिसके बराबर हो सकता है, पर जरूरत नहीं है, जितनी आपको जरूरत है आप उतना लगा सकते हैं। अब सेम प्रोसेस, सेम एरलडाइट की ट्यूब, बट ग्राउट की जगह आ गया लकड़ी का बारीक बुरादा। लकड़ी का बारीक बुरादा, सेम कंपोजिशन दोनों ट्यूब में मिलानी है, एक अच्छा सा सोल्यूशन बना लेना है, पतला करने के लिए नेल पेंट रिमूवर या थिनर डाल लेना है। और अगर आप बैट की लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा सॉलिड पेपर लीजिए, ऐसे करके एक जगह बना लीजिए जितना कि आप अपने बैट की लेंथ करना चाहते हैं। वही सॉल्यूशन जो बना हुआ है वुड और एरलडाइट का, इसमें डाल दीजिए, हेयर ड्रायर मारिए, बिल्कुल सेट हो जाएगा। 24 घंटे के लिए छोड़ना है, 24 घंटे के बाद इसको रिमूव कर देना है और आप देखेंगे कि आपका बैट जितना भी आप लंबा चाहते हैं उतना कर सकते हैं। मैं एडवाइज करूंगा कि 1 इंच से ज्यादा ना कीजिए,
उससे फिर क्या होता है, एक तो बैट का बैलेंस में भी फर्क पड़ जाता है, और दूसरा जो हमने एक शाफ्ट लगाई है या जो हमने एक ग्राफ्ट लगाया है उसके ऊपर, वो उतना ड्यूरेबल नहीं रहेगा। 1 इंच का बहुत अच्छा खासा लंबाई आ जाती है बैट को। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका हैंडल छोटा है, आप हैंडल लंबा करना चाहते हैं, आप थोड़ी सी ग्रिप नीचे कीजिए और वही प्रोसेस से जैसे मैंने बताया, आप हैंडल भी 1 इंच तक लंबा कर सकते हैं। ये बहुत ही वैल्यूएबल टिप है उनके लिए जो हार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं। अच्छे रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपको मेरी बताई हुई टेक्निक से कुछ फायदा हुआ है या नहीं। सही है, गलत है, रूल है, वैसे भी कोई रूल नहीं है। 5-5 इंच के बैट चौड़ाई से खेल रहे हैं हम। एक जस्ट एक टिप है उनके लिए जो हार्ड टेनिस बॉल खेलते हैं। आप ऐसे ही बने रहिए, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।